हेलो स्टूडेंट वेलकम बैक टू क्लास क्लास फोर्थ न्यू बुक्स चैप्टर फर्स्ट ग्रोइंग अप इन ए फैमिली मींस एक परिवार में बढ़ रहा है एक परिवार में बढ़ रहा है वी लिव इन ए फैमिली विथ आवर फैमिली मेम्बर्स मींस हम अपने परिवार के सदस्यों के साथ रहते हैं एक साथ रहते हैं ए फैमिली लिव टुगेदर इट्स टुगेदर हैज़ फन टुगेदर एंड हेल्प्स इच अदर इन टाइम ऑफ नीड वी ऑल्सो लर्न वेरियस थिंग्स बाई स्टेइंग इन ए फैमिली वो परिवार में एक दूसरे के साथ रहते हैं और वी आल्सो लर्न वेरियस थिंग्स बाय स्टेइंग इन ए फैमिली हम एक परिवार में रहकर सीखते हैं विभिन्न बातें सीखते हैं यस वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट फैमिलीज कैन बी ऑफ डिफरेंट साइज हम देखते हैं कि यानी एक ही परिवार परिवार अलग अलग साइज के होते हैं सम आर लार्ज वाइल सम आर स्मॉल फैमिली सम फैमिलीज ओनली हैव पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रेन यानी कुछ फैमिली होती है ओनली उसमें पेरेंट्स एंड चिल्ड्रेन रहते हैं उसको क्या बोलते हैं न्यूक्लियर फैमिली सम चिल्ड्रेन ग्रो अप इन लार्ज फैमिलीज Having parents and grandparents. Some may also have uncles and aunts and cousins living with them. These are joint families. A family where the children live with any one parent is called a single parent family. Only one parent, mother and or father. What kind of a family? वॉट काइंड ऑफ ए फैमिली डू यू लिव आप किस तरह के परिवार में रहते हैं डिस्क्राइब योर फैमिली इन ए शॉर्ट पैराग्राफ चेंजेस इन ए फैमिली यस द साइज ऑफ़ ए फैमिली चेंजेस ड्यू टू वेरियस रीजन्स यानि फैमिली का जो विभिन्न कारणों के कारण परिवारों का आकार परिवर्तन हो जाता है परिवारों परिवारों में परिवर्तन हो जाता है द बर्थ ऑफ़ ए चाइल्ड ए मेरीज यानी एक बच्चा जन्म होने के बाद और द दे डेथ ऑफ ए फैमिली मेंबर लेट टू चेंज इन द फैमिली या फिर कोई किसी की डेथ हो जाती है फैमिली मेंबर में तब क्या हो जाता है फैमिली का साइज चेंज हो जाती है दीज इवेंट्स आल्सो अफेक्ट द लीव्स ऑफ अदर फैमिलीज मेंबर ये घटनाएं परिवार के अन्य सदस्यों की भी पतियों की प्रभावित करती है यस yes. उसके बाद में आता है चेंजेस ड्यू टू मैरिज यानी शादी के बाद में परिवर्तन यानी विवाह के कारण परिवर्तन हो जाता है इट इज़ रक्षाबंधन एंड माला इज़ एट अंकल मोहन्स हाउस फॉर द सेलिब्रेशन यानी यह, यह रक्षाबंधन है और जो माला है माला रक्षाबंधन के ऊपर कहाँ गई है अपने चाचा के घर पे सेलिब्रेट करने के लिए गई है अंकल मोहन इज हर मदर्स ब्रदर और चाचा मोहन है वो उसकी मम्मी का भाई है मदर इज़ ट ए राखी ऑन हीज रिस्ट और मम्मी है वो अपनी लाइफ क्या राखी बांध रही है ओहो यू हैव ब्रॉड रसमलाई ओहो तुम रस मलाई लाई हो एक्सक्लाइम्ड अंकल मोहन रिमेंबर याद है हाउ आई यूज टू इट योर शेयर टू वैन वी वेर चिल्ड्रेन जब आप छोटे थे तब मैं आपके इससे की रसमलाई खा गया था मदर ऑलवेज कॉल्ड मी फॉर इट और मम्मा ने मुझे इसके लिए मुझे इसके लिए डांटा था ही शेड चेयरफुल टू हिज सिस्टर और वाई डॉन्ट यू लिव विथ अंकल ग्रैंडफादर फादर एंड ग्रैंड मदर एनी वॉर माला आस्क्ड हर मदर on their way back home. why did you leave your parents home? और तुम चाचा के साथ यानी तुम चाचा के साथ क्यों नहीं है वो माला पूछती है तुम चाचा और मोहन उनके ग्रांड मदर और ग्रांड फादर के साथ क्यों नहीं रहते हो माला आस्क डहर यानी अपनी मम्मी से पूछती है पिता को घर क्यों छोड़ा तो मदर टोल्ड माला माला मास्क माँ माला से कहती है माला हाउ शी लिव्ड इन लखनऊ विथ हर पेरेंट्स यानी माला को बताया कि वह अपने माता पिता के साथ लखनऊ रहते हैं मोहन एंड हर यंगर सिस्टर नीलम देन शी गॉट मेरीड एंड शिफ्टेड टू देहली और वो शादी के बाद में दहली शिफ्ट हो गए हैं। वेयर संजय और संजय कहाँ मालाज फादर लिव्ड विथ हिज फैमिली शी टोल्ड माला दैट वुमेन्स यूजली मूव टू स्टे विथ देयर हजबेंड फैमिली आफ्टर मैरिज ऑफन दे चेंडे सन नेम टू और उन्होंने वो क्या अपने जो लड़की होती है वो शादी के बाद में क्या अपने पति के साथ ही रहने का ही मूड रखती है अक्सर वे क्या अपना उपनाम भी बदल लेते हैं यस yes, इसके बाद में अपन हैज योर मदर आल्सो एक्सप्रिय सिमिलर चेंजेस फाइंड आउट अबाउट द चेंज इन योर मदर्स लाइफ बाई आस्किंग हर द फॉलोइंग क्वेश्चन यस ये कल पढ़ेंगे